नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के भी। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक और प्रैक्टिस सेट को यहां पर करेंगे। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होता है बिल्कुल आपके 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसी के पैटर्न के ऊपर आधारित होता है। तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखने का प्रयास ज़रूर करें। और आपने इन 45 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है वह भी आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि लसिका सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश डैश के ऊपर आक्रमण करता है। तो लसिका के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपको व्हाइट ब्लड सेल में देखने को मिलती है और ये आपके बैक्टीरिया के ऊपर करता है अटैक। किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा ब्लड सेल होता है उसमें आपको मुख्य रूप से 3 चीज़ें मिलती हैं। एक आपका प्लेटलेट्स है, फिर RBC होता है और व्हाइट ब्लड सेल होता है। व्हाइट ब्लड सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये हमारे इम्यून सिस्टम की तरह से काम करता है और इसी में आपको मिलेगा लिम्फ मिलेगा जो कि आपके बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के चेहरे पर कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो चेहरे की बात करें तो इस पे आपको 14 हड्डियां देखने को मिलेंगी। आपने वो गाना भी सुना होगा कि 14 ही का चाँद हो या हो, ऐसे कुछ करके है। तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि चेहरे पर कुल टोटल 14 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये देख सकते हैं कि हड्डियों की संख्या कहाँ पर कितनी होती है। जैसे कि नाक पर आप यहाँ पर दो देख सकते हैं, लैक्रिमल में भी आपको 2 मिलेंगे, इसी प्रकार से मैक्सिला में 2, मैंडिबल में 1, वामर में 1, जिगोमेटिक में 2 और पैलेटिन में आपको 2। तो इस प्रकार से टोटल इनकी संख्या 14 होती है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की वीडियो आप यहां पर देख रहे हैं इसी प्रकार की सेम वीडियो आपको अनअकैडमी पर भी मेरी मिलेगी, जहां पर आपके इसी प्रकार से 45 प्रश्नों का टेस्ट होता है और उस टेस्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आपको क्लास के बाद ही पता चल जाता है और आप उन सारे छात्रों में कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं ये भी पता चल जाता है। तो अनअकैडमी के ऊपर आप मेरी लाइव क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। बेल स्ट्रक्चर्ड आपको यहाँ पर PDF दिया जाता है रिवीजन के लिए और इसके लिए आप अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं और अपने बहुत सारे दोस्तों को भी इस क्लास के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो ये हमारे भारत का नंबर 1 ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको फ्री क्लासेज के साथ साथ प्रीमियम कोर्सेज भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग SSC कैटेगरी की बात करें तो 6 अक्टूबर से आपके नए बैच शुरू हो रहे हैं जिसमें आपको हमारे देश के सारे बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे। तो SSC से जुड़े हुए चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हों, MTS हो, CGL हो, CHSL हो, GD हो या फिर CPO हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आप एक ही सब्सक्रिप्शन यहां पर परचेज कर सकते हैं और इसी एक सब्सक्रिप्शन से आप लोग सारे एग्ज़ाम की तैयारी एक सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं। मेरा कोड है यहाँ पर KV10। जैसे ही आप लोग इस कोड का यूज़ करेंगे अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स के लिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक ऑफर है कि अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करते हैं KV10 तो 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, इसके अलावा 10% का कैशबैक आपको मेरी तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा। तो 25-30% तक का अगर आप लोग डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर इस समय एक बहुत ही शानदार फीचर भी है, यानी कि लाइव क्लास के दौरान अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग क्लास में ही रेज हैंड कर सकते हैं और डायरेक्टली टीचर से आप लोग क्लास में ही बात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार फीचर है, इसे भी आप लोग प्लस में अवेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लैरिक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रालंब पाया जाता है, इसे आप लोग क्या कहेंगे? अब ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आप लोग थोड़ा सा अपना संरचना देखिए, जैसे यहाँ से आपके मुंह से होते हुए ये पाइप आती है और इसी में आपको मिलेगा एपिग्लॉटिस। क्या काम करता है ये? तो मुख्य रूप से जब आप लोग खाना खाते हैं
तो जो हमारे सांस की पाइप होती है उसको ये बंद कर देता है, जिससे आपका जो भोजन वगैरह है वह सांस वाली नली में ना जाने पाए। तो ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है एपिग्लॉटिस। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक नयनार संत नहीं थे। अब देखिए ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, इस साल वैसे ये CHSL में पूछा गया था। तो नयनार संत की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें से जो हमारे अंडाल हैं, कौन है अंडाल हैं, ये नयनार संत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अब थोड़ा सा समझते हैं कि नयनार संत आखिर होते कौन से हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इन संतों की, तो ये आपके ऐसे संत हैं जो कि तीसरी से लेकर के आठवीं शताब्दी तक तमिलनाडु में रहते थे। इनकी टोटल संख्या थी 63। इन्हें टीचर्स ऑफ शिवा भी कहा जाता था। और अगर हम लोग बात करते हैं नयनार संतों की, तो इससे पहली बार कंपाइल किया था सुंदरर ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें अंडाल आपके नहीं है। अंडाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्हें गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता था, और ये आपके 12 अलवर संत में से एक थी। तो अलवर संत की संख्या 12 थी। और अगर हम लोग नयनार की बात करते हैं तो इनकी संख्या है 63। तो ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी लुईस अम्ल का गुण है। देखिए अगर हम लोग लुईस एसिड की बात करते हैं तो ऐसे हमारे अम्ल जिनके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। तो ध्यान रखिएगा लुईस एसिड के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है, जबकि जो लुईस बेस होते हैं उनके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये लुईस बेस है। और अगर हम लोग BF3 की बात करें तो इसके पास में एक पेयर को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है, इसीलिए ये होता है लुईस एसिड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिल होता है तो इसे आप लोग क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसे हम लोग कहते हैं मोनोट्राइकस। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर फ्लैजिल की संख्या सिर्फ एक है तो एक का मतलब ही होता है मोनो। तो ध्यान रखिएगा अगर किसी भी बैक्टीरिया में आपको इस प्रकार से एक ही फ्लैजिल मिलता है तो इसे कहा जाता है मोनोट्राइकस। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं इसमें जो फ्लैजिल है वो सिर्फ एक ही है, तो इसे मोनोट्राइकस कहा जाएगा। अगर इस प्रकार से दोनों तरफ फ्लैजिल मिलेगा तो इसे एम्फीट्राइकस कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर दोनों सिरों पर ढेर सारे आपको मिलेंगे तो इसे सिफेलोट्राइकस कहा जाता है। अगर आप में कई सारे फ्लैजिल इस तरह से बिखरे मिलेंगे तो इसे पेरीट्राइकस भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो खेलों को अगर हम लोग उद्योग के दर्जा की बात करें तो ये दिया था पिछले साल मिजोरम ने। किसने दिया था, मिजोरम ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वाकाटक साम्राज्य की जो महारानी है प्रभावती गुप्त, ये कुबेर नाग और डैश डैश की बेटी थी। तो ध्यान रखिएगा कुबेर नाग और चंद्रगुप्त द्वितीय की ये बेटी थी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, और यहाँ पर अगर हम लोग इनके ग्रैंड पेरेंट की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम थे और प्रभावती गुप्ता ये गुप्ता प्रिंसेस थी और वाकाटक की क्वीन थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई जो प्रकाश किरणें होती हैं ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे आप लोग क्या कहेंगे। अब देखिए थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये हमारा होता है अवतल दर्पण, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। कहा जा रहा है कि जो आपकी किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के आ रही हैं समानांतर। तो अगर इस प्रकार से ये किरणें आती हैं तो यहाँ से होकर के ये रिफ्लेक्ट करेंगी, और जहाँ पर ये मिलेंगी उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर ये आकर के मिलती हैं उसे कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से अगर हमारी रेज पैरेलल आती हैं तो ये फोकस पे आकर के इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा क्षारीय धातु समूह का तत्व तो नहीं है। देखिए क्षारीय धातु समूह की बात करते हैं तो हमारे वह तत्व जो कि पहले ग्रुप में आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अल्कलाइन मेटल ग्रुप। लेकिन अगर हम लोग इसमें बेरियम की बात करें तो ये आपका आता है सेकेंड ग्रुप में। बाकी फ्रांसियम, सीजियम और रुबिडियम ये सारे हमारे अल्कली मेटल हैं।
और बेरिलियम की बात करें तो ये आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं बेरियम जो कि आपके सेकंड ग्रुप में आता है, बाकी सारे पहले ग्रुप के हैं, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता के 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो बताइए कि यहाँ पर कितनी बिजली खर्च हो रही है। बहुत ही सिंपल सा इसका फार्मूला होता है। देखिए अगर कहा जाए बल्ब की क्षमता कितनी है तो ये आपकी हो गई 100 वाट, ठीक है। कहा जा रहा है 5 घंटे जलाए जा रहे हैं तो इसमें आप 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिन में ये 20 घंटे जल रहे हैं तो इसमें आप कर दीजिए 20 का मल्टीप्लाई, समझ गए। टोटल अगर आप लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 × 5 = 500 और 500 को आप लोग 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 हो गया और इसी फार्मूले में आप 1,000 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वही आपकी होते यूनिट, तो ध्यान रखिएगा 10 यूनिट यहाँ पर बिजली खर्च होगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार भारोत्तोलन में हमने कितने ओलंपिक पदक जीते हुए हैं। तो भारोत्तोलन की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि हमारे देश की जो पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है कर्णम मल्लेश्वरी, उन्होंने 2000 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो आपका पहला पदक था भारोत्तोलन का। और इसी साल हमारी जो मीराबाई चानू हैं उन्होंने भी एक पदक जीत लिया है सिल्वर मेडल, तो टोटल हमने 2 पदक जीते हैं भारोत्तोलन में और दोनों दिलाया है देश की बेटियों ने, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है। तो संपत्ति के अधिकार की बात करें तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 300A में, किसमें अनुच्छेद 300A में। पहले ये आपके मूल अधिकारों का हिस्सा था लेकिन बाद में हमारे संविधान में एक संशोधन होता है और उसके बाद में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया जाता है। तो चलिए कमेंट में बताइएगा कि किस संशोधन के द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार को आपके मूल अधिकारों से हटाया गया था। अगला प्रश्न है कि शुष्कता की दशा इनमें से किसको करती है संदर्भित। तो शुष्कता की दशा की बात करें तो ये आपके लो ह्यूमिडिटी को संदर्भित करती है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। जैसे आपने गर्मियों के मौसम में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उमस होती है, उमस का मतलब सिंपल सा होता है कि ह्यूमिडिटी जो है यानी कि जो आर्द्रता है जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा है तो उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी। लेकिन अगर आपने ठंडियों का मौसम देखा होगा तो ठंडियों में आपकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है, समझ गए। तो शुष्कता की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब है कि जो ह्यूमिडिटी है वो आपके एटमॉस्फेयर में कम हो गई है, तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था। अब ये प्रश्न भी CHSL में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इनका नाम है राजकृष्ण। क्या नाम है? राजकृष्ण इनका नाम है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो इन्हीं के द्वारा आपके 1970 के आसपास लो ग्रोथ रेट इंडिया की बात की गई थी और इसमें बताया था कि जो हिंदू पॉपुलेशन है उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत किस देश में 300 वर्ष पुरानी श्री श्री जॉय कॉली मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा। तो ध्यान रखिएगा भारत इसका निर्माण कर रहा है आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश में, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं बांग्लादेश में जो उस समय हमारे उच्चायुक्त थे रीवा गांगुली, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और ये मंदिर भारत डेवलप कर रहा है बांग्लादेश में, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हमारे नाइट्रोजन परिवार का तत्व है। तो नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। कौन सा है? आर्सेनिक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा समझते हैं ये परिवार का मतलब क्या है। देखिए जब हम लोग ऐसे ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में जो भी आपके सारे एलिमेंट होते हैं ग्रुप के पहले एलिमेंट के नाम पर उस परिवार का नाम रखा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 13वें ग्रुप की तो बोरान हो गया, बोरान फैमिली। 14वें में आपका कार्बन है तो कार्बन फैमिली। 15वें में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली। और इसी में आपको मिलेगा आर्सेनिक जिसका एटॉमिक नंबर है 33, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा जो टोनोमीटर होता है, क्या नाम है? टोनोमीटर होता है, इसका उपयोग किया जाता है आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग ओडोमीटर की बात करते हैं तो ये आपके गाड़ियों में दूरी को मेजर करता है,
अगर हम लोग यहाँ पर विस्कोमीटर की बात करते हैं तो ये आपके फ्लड विस्कोसिटी को मेजर करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल ए टोनोमीटर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 तक विश्व की सबसे मूल्यवान मुद्रा किस देश की है, तो सबसे मूल्यवान की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये है कुवैत की। कहाँ की है? कुवैत की सबसे मूल्यवान मुद्रा है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। और अगर हम लोग एक कुवैती दिनार की बात करें तो आपके भारत में उसकी वैल्यू है 233.75 रुपए। हो सकता है कि इस समय थोड़ा आगे पीछे हो गया हो लेकिन लगभग इतनी वैल्यू है, तो ये सबसे आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट मुद्रा है पूरे दुनिया में। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं सबसे वीक की, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक अमेरिका का डॉलर लेते हैं तो इसमें आप ईरान के 42,190 रियाल को परचेज कर सकते हैं, समझ गए, मतलब इतनी यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कुवैत का सबसे स्ट्रॉन्ग है, सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक डैश डैश शैली है, तो बोलाक आर्ट की बात करें तो ये यहाँ की एक नृत्य कला है, डांस फॉर्म है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें आपके विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है, विटामिन ए जिसकी कमी से आपको रतौंधी हो जाती है या नाइट ब्लाइंडनेस भी उसे हम लोग कहते हैं, तो अगर आपके पास में गाजर है और आप इसका भरपूर मात्रा में सेवन करते हैं तो विटामिन ए आपको मिलती रहेगी, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो कैरेट हो गया, चीज हो गया, मछली है, ऑयली फिश है या फिर जो आपके मिल्क वगैरह हैं, इनमें आपको विटामिन ए देखने को मिलेगा, इसका केमिकल नाम रेटिनॉल होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गाजर यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 22 जुलाई 2020 को जो पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था इसमें किसने जीत हासिल की थी, तो ध्यान रखिएगा इस चुनाव में जीत मिली थी, नाम इनका है आंद्रेज डूडा। क्या नाम है? आंद्रेज डूडा नाम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी पोलैंड की बात करें तो यूरोप का ये एक देश है, राजधानी वारसाय में है और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है ज्लोटी, तो ऑप्शन फिलहाल सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन होता है ये किसके बराबर होता है, तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर वगैरह हैं वो आपकी नाड़ी को पकड़ करके चेक करते हैं, तो नाड़ी की अगर हम लोग गति की बात करते हैं तो बिल्कुल आपके दिल के ये बराबर होता है, लगभग बराबर आप कह सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। यानी कि जो आपकी हार्ट बीट होती है उसी के अकॉर्डिंग आपकी नाड़ी में भी स्पंदन देखने को मिलेगा, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आलू यट्टू डैश डैश राज्य का एक लोक नृत्य है, तो आलू यट्टू की बात करें तो ये हमारा है नागालैंड का। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यट्टम शब्द आए या फिर टम लास्ट में आए तो समझ जाइए वो केरल का है, लेकिन उसमें आपका एट्टम है, ये आपका एट्टू है, तो कई बार लोग कन्फ्यूजन में इसको केरल कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जो आलू एट्टू है ये आपके नागालैंड का है, तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में अरब क्षेत्र का जो पहला बराकाह परमाणु रिएक्टर है इसका किस देश में संचालन शुरू किया गया, तो बराकाह की बात करें ये शुरू हुआ है यूएई में। कहाँ पर? यूएई में शुरू हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो यूएई की बात करें तो राजधानी अबू धाबी में मिलेगी और आपके यूएई में पिछले साल इसका संचालन शुरू हुआ था, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारा आरएच कारक है ये आपके किससे प्राप्त हुआ था, तो ध्यान रखिएगा जो आरएच कारक है ये आपके रिसस मकैक मंकी से प्राप्त हुआ था, यानी कि आपके एक बंदर से मिला था, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो आरएच फैक्टर एक प्रकार का हमारा प्रोटीन होता है जो कि आपको ब्लड में देखने को मिलेगा, और 1940 में जो हमारे वैज्ञानिक थे कार्ल लैंड स्टीनर, उन्होंने बीनर के साथ में मिलकर के रिसस मकैक मंकी से इसे प्राप्त किया था, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो एबी है तो ये आपके कैसे व्यक्ति से खून ले सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके किसी भी वर्ग के व्यक्ति का ब्लड ले सकता है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान रखेंगे जब हम लोग एबी पॉजिटिव की बात करते हैं तो एबी पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये सभी प्रकार के खून को स्वीकार कर सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं ओ निगेटिव की तो ओ निगेटिव हमारा होता है सर्वदाता, यानी कि अगर ओ निगेटिव ब्लड है तो इससे आप लोग किसी को भी दे सकते हैं, तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चंद्रनगर या चंदन नगर
23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, तो ये किसकी एक कॉलोनी थी? तो ध्यान रखिएगा, ये जो कॉलोनी है ये आपकी थी फ्रेंच की, किसकी? फ्रांसीसियों की ये कॉलोनी थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये जो मुकाबला है वो 13 मार्च 1757 को हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। फ्रांस जो ब्रिटेन की सेना थी उसको रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था और इसमें फ्रांस की हार हुई थी और चंद्रनगर पर यहाँ पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बाहरी परत श्रेणी कौन सी है? अब थोड़ा सा आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब हम लोग हिमालय के लेयर की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार की लेयर आपको मिलती है ऐसे, ठीक है, ये मैंने सीधा सीधा ड्रॉ किया है, लेकिन ऐसे लेयर मिलती है। अब जाहिर सी बात है, अगर इसको आप लोग एक वृत्त बना देंगे तो जो आपका सबसे अंतिम में होगा ये होगा बाहरी लेयर। तो देख सकते हैं शिवालिक सबसे बाहर है तो ये आपका सबसे बाहरी परत होता है, तो ऑप्शन इसीलिए बी हो जाएगा करेक्ट। समझ गए? तो ऊपर कराकोरम, ट्रांस, फिर महान, फिर मध्य, फिर शिवालिक, और शिवालिक सबसे बाहर है इसीलिए आप इसकी बाहरी परत भी कहेंगे, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो आपका खट्टा स्वाद होता है उसके लिए जीभ का कौन सा भाग कोशिकाओं को धारण करता है? यानी कि आप अपने जीभ के किस हिस्से से खट्टे स्वाद का पता लगाते हैं? तो ये हमारे जीभ का होता है साइड्स, यानी कि बगल वाले हिस्से से पता लगाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब देख सकते हैं, अगर हम लोग टमाटर वगैरह के स्वाद की बात करें तो ये आप लोग यहाँ से पता लगाते हैं, उसी प्रकार से अगर हम लोग मीठे की बात करें तो बिल्कुल आगे से, उसी प्रकार से साल्टी की बात करें तो ये भी बिल्कुल आगे से, सौर की बात करें तो ये आप लोग किनारों से पता लगाते हैं, कसैला आपको एकदम पीछे से पता लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस राज्य के वन विभाग ने 8 जिलों में चलाए गए वृक्षारोपण अभियान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ध्यान रखिएगा, इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भोजन नाली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की जो गति होती है इसे आप लोग क्या कहेंगे? अब देखिए, आपने अगर मानव की संरचना देखी होगी तो अगर आप खाना यहाँ से खाते हैं तो एक नली होती है जो कि आपके पेट तक जाती है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से जो आपका भोजन जाता है ऐसा नहीं है कि वो ग्रेविटी के कारण जाता है, यानी कि अगर आप सीधा बैठ करके खाएंगे तो ही वो आपके पेट में जाएगा। अगर आप खाना उल्टा होकर के भी खाते हैं तो भी खाना आपके पेट में ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि पेट का खाना आपके बाहर आ जाएगा। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो हमारी यहाँ पर फूड पाइप होती है, जिसे आप लोग ओसिफेगस भी कहते हैं, तो ये जो फूड पाइप होती है ये खाने को लेकर के जाती है, इसमें आपके संकुचन होता है और फिर ये फैलता रहता है, तो इसे कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ से खाना खाया तो खाना आपके यहाँ पर है तो एक बार ये सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, और इसी प्रकार से आपका खाना पहुँच जाता है पेट में, समझे? तो इसे कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2020 में किस नौसेना बेस में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई? तो ये जो मिसाइल पार्क है ये आपका बनाया गया है INS कलिंगा में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो INS कलिंगा ये आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगा और यहीं पर हमारे अग्निप्रस्थ नाम से मिसाइल पार्क की स्थापना की गई, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला था केजांग थांगडोक को। क्या नाम है इनका? केजांग थांगडोक नाम है। ये आपके अरुणाचल प्रदेश के एक फिल्म मेकर हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी हनी हंटिंग के ऊपर जिसका नाम था की लूपो, और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले आइए समझते हैं कि इमेज कैसे यहाँ पर बनता है। बात की जाए उत्तल दर्पण की, तो देखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है तो जो इमेज बनेगी वो आपको कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं इमेज की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो इमेज है वो वर्चुअल है, क्योंकि रियल रे के इंटरसेक्ट से नहीं बन रही है तो वर्चुअल है। ये जो आपकी इमेज है वो आपकी बिल्कुल सीधी है और वस्तु का जो साइज़ है उससे ये छोटी है। अब अपने ऑप्शन पर आते हैं, तो देखिए
प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब छोटा होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रतिबिंब सीधा होगा, ये भी बिल्कुल सही है। और देख सकते हैं जो इमेज बन रही है वो एफ और पी के बीच में बन रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन ए गलत होगा और इसीलिए हमारा ये कथन हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न है कि लद्दाख में हेमिस त्यौहार तिब्बती चंद्रमा के दसवें दिन को मनाया जाता है, तो ये त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो ध्यान रखिएगा, ये त्यौहार भगवान पद्मसंभो को समर्पित है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। हेमिस फेस्टिवल आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये लद्दाख में होता है। लद्दाख में जो हेमिस नेशनल पार्क है वो हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, और ये आपके भगवान पद्मसंभो को समर्पित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं बिस्मिल्लाह खान, ये आपके कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये बजाते हैं शहनाई। क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन सा राज्य हिम तेंदुओं के लिए संरक्षण केंद्र बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इस राज्य का नाम है यहाँ पर उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड नाम है, और इन्होंने पिछले साल हिम तेंदुओं के लिए संरक्षण केंद्र बनाया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी के दौरान किस तत्व की उपस्थिति से जो लाल रंग है उस प्रकार की रोशनी उत्पन्न होती है? तो लाल रंग आपको मिलेगा स्ट्रॉन्शियम के कारण, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि किसके कारण कौन सा रंग होता है। जैसे लाल की बात करें तो स्ट्रॉन्शियम के कारण, ऑरेंज आपके कैल्शियम साल्ट के कारण होता है, येलो सोडियम के कारण होता है, ग्रीन आपका बेरियम के कारण होता है, ब्लू कॉपर के कारण, पर्पल आपके कॉपर और स्ट्रॉन्शियम के मतलब मिश्रण के कारण होता है, सिल्वर आपका व्हाइट मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के कारण होता है, और व्हाइट आपके मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के कारण होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर फिलहाल स्ट्रॉन्शियम हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में जो आंतरिक संक्रमण तत्व हैं इनकी कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे इनकी जो कुल संख्या है वो आपकी हो जाएगी 18। क्या है? इनकी संख्या यहाँ पर 18। आंतरिक संक्रमण तत्वों की बात हुई है तो इनकी संख्या 28 है। जाहिर सी बात है लेंथेनाइड में 14 और एक्टिनाइड में 14, तो 14 हो गए 28। ऑप्शन यहाँ पर 28 हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, और 3 से लेकर के 12 में जो है इन्हें हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला था रंजीत कुमार को। किसे मिला था? नासा के द्वारा दिया गया था साइंटिस्ट रंजीत कुमार को, तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इन्होंने आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्षेत्र में योगदान दिया था नासा के, और इसीलिए इनको ये पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संवेग का बीमीय सूत्र है? तो संवेग के बीमीय सूत्र की बात करते हैं, तो पहले आइए समझते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। देखिए संवेग की बात करें तो P इक्वल टू होता है एम वी, ठीक है। M यानी कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का आपका M हो जाएगा। V का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि L डिवाइड बाई T, तो M के पावर हो जाएगा आपका 1, L के पावर 1 और T के पावर होगा -1। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर D हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न विकिरण में से किसमें आपके सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है? तो ध्यान रखिएगा विलियम रोएंट जेन के द्वारा खोज की गई थी हमारे एक्सरे की, और इसी में आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो एक्सरे में सबसे ज़्यादा, फिर अल्ट्रा वायलेट आता है, फिर दृश्य प्रकाश आता है, और लास्ट में आता है इंफ्रारेड, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रत्न है जिसमें आपको फ्लोरीन का देखने को मिलेगा? तो फ्लोरीन की बात करें तो ये आपको मिलता है टोपाज में, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये आपका होता है टोपाज, कुछ इस रंग का देखने को मिलेगा, और इसमें आपको देखिए फ्लोरीन देखने को मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग नीलम या सफायर की बात करें तो ये इसका फार्मूला होता है Al2O3। इसी प्रकार से अगर हम लोग रूबी की बात करें तो इसका भी फार्मूला होता है Al2O3, लेकिन इसमें आपको क्रोमियम मिलेगा। और अगर हम लोग इमराइल्ड की बात करते हैं तो इसका फार्मूला इस प्रकार से होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। इमराइल्ड का मतलब होता है पन्ना, तो ए होगा यहाँ पर करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश तरंग है इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो ध्यान रखेंगे इसकी जो आवृत्ति है वो 10 की घाते 15 हर्ट होगी, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं
ये आपका फार्मूला है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। सी का मतलब होता है प्रकाश की वेलोसिटी और यहाँ पर लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ की वैल्यू आप लोग रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 10^15 साइकिल पर सेकेंड या हर्ट हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से जो 45 प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। हालांकि ये जो हमारा मॉक टेस्ट है इसका लेवल सबसे हाई है, यानी कि अगर आपके ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रश्न आएगा तो भी वह इससे कम ही होगा। मेरी कोशिश है कि आपको सारे बेस्ट क्वेश्चन कराए जा सके, जिससे आप लोग आसान क्वेश्चन वैसे भी कर ले जाएं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन 45 में से आपने कितने सही किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।